हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आप ही की डिमांड और आप ही के कमेंट पर कॉलर वाला कटोरी वाला ब्लाउज बताने वाली हूँ, जिसमें आपको बैक साइड कॉलर वाला हम कटिंग करेंगे और फ्रंट साइड हमारा कटोरी का रहेगा। तो कैसे आपको उसे कटिंग करना चाहिए, कैसे आपको उसकी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, ड्राफ्टिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कॉलर वाला जो ब्लाउज है वो बिल्कुल नया है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े को बिछा लिया है, बंद भाग हमने अपनी तरफ किया है और खुला भाग बाहर की तरफ किया है। स्क्रीन पर से आप नाप नोट कर लीजिए, लंबाई हमारी 14 इंच की है, सीना हमारा 34 इंच का है, कमर हमारी 28 इंच की है और जो शोल्डर है हमारा लगभग 15 इंच का है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक साइड कट करेंगे। 14 इंच का बैक साइड है तो हम यहाँ पर लंबाई के हिसाब से कितना इंच लेंगे, 1 इंच बढ़ाकर, यानी कि कितने इंच की लंबाई हो गई यहाँ पर 15 इंच की। उसके बाद में शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे, शोल्डर हमारा 15 इंच है, 15 का आधा करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच, और 7.5 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आप कॉलर वाला ब्लाउज बनाएं तो आपको देखिए क्या करना है, जब आपका 15 इंच का कॉलर है तो आपका आधा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 का आधा लेंगे तो आपकी कॉलर कितने इंच की आ जाएगी यहाँ पे 7 इंच की। ठीक है, शोल्डर आपका कितने इंच का आ जाएगा, 7 इंच का आ जाएगा। उसके बाद में आर्मोल यहाँ पर कट करना है हमको, आर्मोल बनाएंगे, आर्मोल भी लगभग हम यहाँ पर 7.5 इंच पर आधा इंच बढ़ाकर जैसे आर्मोल लेते हैं सेम वैसे ही लेंगे हम यहाँ पे, 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई का निशान देंगे। देखिए, कॉलर वाले ब्लाउज में मेन पार्ट है आपका शोल्डर का, शोल्डर आपका टाइट नहीं पड़ना चाहिए, शोल्डर एकदम से बिल्कुल जो हमारी शोल्डर की जो लाइन होती है वहाँ पर क्लियर आना चाहिए। उसके लिए देखिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है, अगर आपका शोल्डर 15 इंच का है तो 15 में से पहले आप 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि कितने इंच का हो गया, 14 इंच का, और 14 का आधा आप यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग के लिए ले लीजिए, यानी कि कितने इंच, 7 इंच। ठीक है, 7 में आधा इंच जोड़कर 7.5 इंच पर हमें आर्महोल का निशान लगाना है। उसके बाद सीने का निशान लगाइए, सीना आपका है 34 इंच का, तो 34 इंच का है तो आपको कितना इंच लेना है, 8.5 इंच, 8.5 में हम 1 इंच बढ़ाकर लगाएंगे। कॉलर वाला ब्लाउज है, पीछे से पैक रहता है, इसलिए हमें पूरी तरह लूजिंग का ध्यान रखना है इसमें। 8.5 पर आपकी फिटिंग आती है, लेकिन आपको 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर निशान मार्किंग करना है और 1.5 इंच आपको यहाँ पर मार्जिन का लगाना है। ठीक है, यानी कि फिटिंग कितने इंच पर आ गई, 8.5 आपका फिटिंग का निशान है, लेकिन आपको 1 इंच बढ़ा के लगाना है तो आपने 9.5 इंच पर लगाया। कमर आपकी यहाँ पर है 28 इंच की, 28 का चौथा होता है 7 इंच, और 7 में हम 1 इंच टक्स का जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 8.5 इंच, और 1.5 इंच आपका मार्जिन का निशान। फिटिंग वाली लाइन से हम फिटिंग वाली लाइन को मिला देंगे और मार्जिन लाइन से मार्जिन लाइन को मिला देंगे। बैक साइड का जो हमारा टक्स होता है वो 3.5 इंच की दूरी पर रखेंगे, टक्स की जो लंबाई है लगभग 5 इंच पर रखेंगे, टक्स की जो लंबाई है वो लगभग 5 इंच पे रखेंगे। ये देखिए, ये हमारी टक्स की लंबाई का निशान आ गया। अब देखिए, गले की जो चौड़ाई है वो लगभग हमें 2.5 इंच पर रखनी है। ठीक है, गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच पर रखना है। अब देखिए, आप ये जो शोल्डर है, जब भी आप कॉलर वाले ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एक तरीका बता रही हूँ। आपने ये पूरा निशान बैक साइड का मार्किंग कर लिया, उसके बाद आपको लगभग 1/2 इंच ऊपर उठा के ये शोल्डर की मार्किंग करनी है, इस प्रकार से यहाँ से आपको शोल्डर की मार्किंग करनी है। यानी कि जो आपका शोल्डर है, जो आपकी जो आपने देखा होगा जो नेक साइड होती है वो कुछ इस तरीके से शेप में रहती है, तो वो शेप को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हल्का सा तिरछा ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बिल्कुल 1/2 इंच की, 1/2 इंच की यहाँ पे कटिंग छाटेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमने 1/2 इंच काट लिया। बिल्कुल आपको पीछे का जो नेक है वो बिल्कुल भी कट नहीं करना है, सिर्फ 1/2 इंच की कटिंग करनी है। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी उससे 1/2 इंच ना पाए हमने, और इस वाली गोलाई से इसको मिला दिया। ठीक है, ये तो हुआ आपका बैक साइड, आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बैक साइड बताया है। मुझे आशा है कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें, बैक साइड हमारा बिल्कुल पैक है, अगर आप चाहें तो कोई भी शेप का गला इसमें डाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हुआ है, कई जगह पत्ती वाला गला डाला रहता है, कई जगह शक्करपारा गला डाला रहता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इसमें डिज़ाइन आप कर सकते हैं। पैक रखना चाहते हैं तो आप पैक भी आसानी से बना सकते हैं। अब खुले भाग को मैं अपनी तरफ करूँगी और उसमें आपको कटोरी वाले ब्लाउज की मार्किंग करना बताऊँगी।
देखिए बैक साइड का मुंह हमने उस तरफ कर दिया और खुले भाग को अपनी तरफ कर लिया ताकि हम आसानी से मार्किंग कर सकें। खुले भाग से हम कटोरी वाला जब भी बनाते हैं तो पहले 1.5 इंच की पट्टी को अलग कर लेते हैं ताकि हम कटोरी आसानी से निकाल सकें। उसके बाद में हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे यहाँ पर ताकि मार्किंग करने में हमें कोई परेशानी ना आए। देखिए अब देखिए यहाँ पे अब हमें पहले सबसे पहले यहाँ पे 7 इंच का शोल्डर लगाना है। देखिए हमने यहाँ पर 7 इंच का शोल्डर लगाया, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये 7 इंच का हमारा शोल्डर का निशान आ गया। आर्म होल का निशान हम यहाँ पर 7.5 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से और 1 इंच पर हम गले की गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने गले की गोलाई का निशान लगा दिया। 2.5 इंच पर हमने गला कट किया है, आपको पीछे की तरफ हमने बताया था तो आगे भी सेम हमें 2.5 इंच पर ही करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे का गला हमें लगभग 6.5 गला आप आपके हिसाब से उतार सकते हैं, 6.5, 7, 7.5 तक भी आप गला यहाँ पे उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 6.5 पे गला उतार लिया है। उसके बाद में इस गोलाई को मिला लेंगे इस तरीके से। देखिए अब 1.5 इंच पर हम यहाँ पर 4.5 इंच दूरी रखते हुए यहाँ पे इसको मिला लेंगे कटोरी के लिए। 34 इंच का सीना है तो 8.5 से 1 इंच कम करके हम लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.5 इंच की कटोरी आएगी। ऊपर से भी हम 4.5 पे मार्किंग करेंगे और इस निशान को कटोरी को इस प्रकार से मिला लेंगे। हमने यहाँ पे मिला लिया है, उसके बाद में बिल्कुल सीधा निशान रखेंगे। ये सीधा निशान रखा, सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस कटोरी वाले निशान को ये देखिए बैक फ्रंट साइड जो है हमारा लगभग 12.5 पे तैयार आ रहा है, इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। सीना हमारा यहाँ पर 9.5 पर हमें फिटिंग का निशान लगाना है। सिलाई करके लगाएंगे तो हमारी जो फिटिंग की सिलाई आएगी वो कितने इंच पर आ जाएगी, 10 इंच पर, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का लगा देंगे। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा हम इस तरीके से मिला लेंगे और फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाला निशान और मार्जिन लाइन से हम मार्जिन लाइन को मिला देंगे। अब देखिए जैसा हमने पीछे की तरफ शोल्डर में किया था सेम उसी तरीके से हम हल्का सा 1/2 इंच ऊपर की तरफ शोल्डर में करेंगे, आगे की तरफ भी कर देंगे। ये देखिए इससे आपका एक ही इसको करने का तरीका है, इससे जो आपके शोल्डर की फिटिंग और नेक की जो फिटिंग आएगी ना वो बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए ये हमारा कटोरी का निशान हो गया, कटोरी की जो लंबाई है टक्स की वो हम 2.5 इंच पर रखेंगे, 1.5 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान रखेंगे जिससे हमारा पॉइंट बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद में देखिए जब भी आप कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग करें, स्लीव्स भी अगर आपको अस्तर की निकालनी है तो कम से कम आप 1 मीटर का कपड़ा लीजिए जिसमें आपकी आसानी से स्लीव्स निकल सके। अब उसके बाद में देखिए ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें हम बेल्ट निकाल देंगे। ये हमारा यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा है तो 4.5 इंच लगभग हम यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई लेंगे और यहाँ पे लगभग 4 इंच बेल्ट की जो चौड़ाई है हमारी वो कितने इंच की जाएगी, लगभग 9 इंच की जाएगी। अब देखिए इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए आपको निशान लगाना है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बैक साइड में कॉलर और फ्रंट साइड में आपको कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करना इसमें बता दिया। अब बचे हुए कपड़े में मैं आपको कॉलर की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है वो बताऊंगी, बाकी आप स्लीव्स आर्महोल के हिसाब से यहाँ पे आराम से निकाल पाएंगे और सारे ही पार्ट्स मैंने इसमें निकाल दिए हैं। बस जो आपको दिक्कत देगी कॉलर, उस कॉलर को निकालने का तरीका मैं इसमें आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको इसे कटिंग करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट और फ्रंट का पार्ट को आपको कट करके बता दिया है। आप बचे हुए कपड़े में स्लीव्स निकाल लीजिए और मैं बचे हुए कपड़े में आपको यहाँ पर कॉलर की कटिंग बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले कॉलर की कटिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये बैक साइड का जो गला है वो आपको नापना है। देखिए इस तरीके से आपको खोलना है और यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपको इसको गले को माप लेना है। किस तरीके से आप मापेंगे, चाहे तो हम स्टिच करने के बाद भी इसे माप सकते हैं और पहले भी मैं आपको इसे बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपका पीछे का भाग आ रहा है यहाँ पे 6.5 इंच। अब देखिए यहाँ पे भी 1/2 इंच हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 5.5 इंच, यानी 6.5 और 5.5 इंच आपका हो गया यहाँ पे 12 इंच, यानी कि आपके कॉलर जो बनेगी वो कितने इंच की बनेगी, 12 इंच की बनेगी। ठीक है तो अब देखिए हम 12 इंच पर कॉलर को कट कर देते हैं। यहाँ पे ये सभी पार्ट हम साइड में रखेंगे, पहले
देखिए ये जो तरीका मैं आपको कॉलर कटिंग का बता रही हूँ बहुत ही इजी तरीका है। पहले आपको इसे कैनवास पे काटना है या आप पेपर कैनवास पे जिस पर भी आप चाहे उस पे काट सकते हैं। मैं आपको ये कपड़े पर काटना बता रही हूँ। देखिए ये आपको यहाँ पर कितने इंच की पट्टी लेनी है, 2 इंच की, और ये पूरी पट्टी आपको 6.5 इंच की लेनी है ताकि आपका इसमें मार्जिन वगैरह सभी चीजें क्लियर आ जाए। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स इस तरीके से बना लेना है, हल्का सा झुका हुआ। ये देखिए आपने ये पट्टी बना ली, यहाँ पे आपने 2 इंच लिया और यहाँ पे 1.5 इंच लिया और उस पट्टी को बिल्कुल सीधे यहाँ पे मिला दिया। अब देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से कॉलर बनानी है। ये देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में हल्का सा करेंगे और इस गोलाई को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। जैसे कॉलर की जो चौड़ाई हमें यहाँ पे रखनी है वो कितने इंच की रखनी है, लगभग 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच से हम कॉलर की पट्टी बनाएंगे क्योंकि स्ट्रैंड कॉलर जितनी पतली रहेगी ना उतनी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगी। देखिए अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है कॉलर का। और यहाँ पर आप सेंटर में कुटके लगा लीजिए। ये कॉलर इस तरीके की है कि आप इसे कुर्ती में भी बना सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से कॉलर आपकी चढ़ेगी। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसकी कॉलर बताई है, जिसे आपको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और चढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैंने आपको कटोरी वाले कॉलर वाले ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग और कटिंग है बहुत अच्छे से समझाई है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो आपको ये कॉलर बनाना है और कॉलर चढ़ाने का तरीका है या ब्लाउज स्टिचिंग का तरीका अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसकी स्टिचिंग का और कॉलर चढ़ाने का तरीका भी बताएंगे। कॉलर आपको कैनवास पे कट करके और ब्लाउज पर रखकर बताना बताएंगे ताकि आपको सिलने में और बनाने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती।